हेलो बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में विटामिंस चल रहा है और आज है विटामिंस का लेक्चर नंबर थर्ड। राइट, थर्ड लेक्चर में अब हम लोग देखो, प्रीवियस में हम लोगों ने विटामिन क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, विटामिन ए क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हम लोगों ने सेकेंड में देख लिया। आज हम लोग देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिंस के बारे में। राइट, ठीक है, तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले टर्न आता है बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं ये वाटर में सॉल्युबल है। राइट, तो पहले बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में शुरू करते हैं, मेंबर्स ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप इंक्लूड थियामिन, मींस विटामिन B1, B2, नियासिन, पायरिडॉक्सिन जिसको हम विटामिन B6 बोलते हैं, बायोटिन जिसको हम विटामिन H भी बोलते हैं कभी कभी, फोलिक एसिड, साइनोकोबलामिन, पेंटोथेनिक एसिड एटसेट्रा, इनकी स्टडी हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में करने वाले हैं। ठीक, इतने की स्टडी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोग करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन B1 जिसको बोलते हैं क्या, थियामिन। देखो ये नाम बहुत जरूरी है कि B1 को हम क्या बोलते हैं, थियामिन बोलते हैं। एक MCQ तो आपका इसी से फंस जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कहे कि सोर्स की। सोर्स क्या है, आउटर कोटिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स लाइक राइस। हमने पहले भी आपको बताया है कि विटामिन B1 जो होता है ये फॉरेन कंट्रीज में या जितना पॉलिश्ड ग्रेन होता है उनमें उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या आउटर लेयर में ज्यादा होता है ना, जिसकी वजह से लोगों को स्किन रिलेटेड डिजीज, झाई वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है पहले के टाइम पे। अब देखो जैसे कुकर वगैरह में खाना बनता है, राइस देखो आप जो है लोग पतला राइस खाने के चक्कर में शाइनी राइस, पॉलिश्ड राइस खाते हैं, तो पॉलिशिंग कैसे करेंगे, ऊपर की लेयर उसकी निकाल देते हैं, जब ऊपर की लेयर निकाल दी गई तो उसमें विटामिन B1 रही नहीं गया, तो यूजुअली लोगों को थियामिन की डिफिशियंसी होती है। फॉरेन कंट्रीज में अक्सर लोगों को विटामिन B1 की कमी रहती है। राइट, राइस हो गया, वीट हो गया, गेहूं, गेहूं की भी ऊपर वाली लेयर में क्या होता है विटामिन B1 यानी थियामिन। ईस्ट, होल सीरियल ग्रेन्स है ना, पल्सेस, ऑयल, सीड, नट्स और नट्स में जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, मीट, लीवर, एग और फिश, ये सब रिच सोर्स हैं विटामिन B1 के। ठीक, अब सोर्स के बाद बात करेंगे कहे कि केमिकल नेचर की बात करेंगे, इसकी केमिकल नेचर है ना, केमिकल नेचर है ना। ठीक, तो केमिकल नेचर इसका कैसा है, देखो सबसे पहले तो इसमें पिरिडीन की एक रिंग होती है। पिरिडीन रिंग हमने पहले भी आपको समझाया, कहीं पे भी रिंग के अंदर नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे आ जाए इसका मतलब वो पिरिमिडीन है। क्या पिरिमिडीन है, मींस 1 2 3, सबसे पहले तो एक पिरिमिडीन की रिंग होती है, उसके बाद एक थायाजोल की रिंग होती है। क्या है कि थायाजोल की, थाया मतलब सल्फर, एजोल मतलब, एजा मतलब नाइट्रोजन, ओल मतलब अनसैचुरेटेड फाइव मेंबर्ड रिंग। तो भाई एक पिरिमिडीन हो गई, एक थायाजोल हो गया, इन दोनों को जो है किससे जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है CH2 से, मिथाइल ग्रुप से इनकी होल्डिंग हो जाती है। राइट, तो इस तरह से ये 2-methyl पिरिमिडीन हो गया और यहां पे ये इस तरह से अटैच्ड है। ठीक, तो यहां तक की कहानी ये हो गई, तो पिरिमिडीन और थायाजोल, ये है थायाजोल, ये है पिरिमिडीन, थायाजोल और पिरिमिडीन और ये मिथाइल ब्रिज, इनको मिला के बनता है थियामिन। क्या मिलता है, थियामिन बनता है। इसी में अगर हम डाइफॉस्फेट यानी 2H3PO4 अगर हम मिला दें, भाई देखो ये डाइफॉस्फेट है, ये क्या है डाइफॉस्फेट है, इसी को अगर हम यहां से एक रिंग निकाल, साइड चेन CH2 से अगर डाइफॉस्फेट अगर हम निकाल दें
तो डाईफॉस्फेट होने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, थियामिन पाइरोफॉस्फेट या थियामिन डाईफॉस्फेट। ठीक, तो केमिकल नेचर है थोड़ा सा, फिर से एक बार समझ लो बात को, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। देखो पहले बनाओगे पिरिमिडीन, है ना, स्ट्रक्चर समझना जरूरी। ये सारे स्ट्रक्चर एक बार मैं बोर्ड पे लाइव आके आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि कहीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक, यहां पे आपने NH2 लगा दिया, ठीक, ये CH2 है मिथाइल रिंग, यहां से अटैच्ड होगा ये नाइट्रोजन, और फिर हम बनाएंगे 5-membered ring। ये हो गई 5-membered ring, क्या बोलते हैं इसको, थायाजोल बोलते हैं, और ये CH2। ठीक, इतना जो हमारा काम है ये, इंक्लूडिंग मिथाइल ब्रिज, इसको बोलते हैं थियामिन। क्या बोलते हैं, थियामिन। ये हो गया थियामिन। अब इसका एक्टिवेटेड फॉर्म की अगर हम बात करें, तो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है थियामिन पाइरोफॉस्फेट। पाइरोफॉस्फेट में आप क्या करोगे, पी है ना, ये PO4 लगा दिया, इस ओ से फिर एक PO4 O- और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, थियामिन का, विटामिन B1 का। पिरिमिडीन याद रखो, पिरिमिडीन को मिथाइल ग्रुप के साथ थायाजोल से जोड़ दो, 2 CH2 इथाइल ग्रुप के साथ डाईफॉस्फेट लगा दो, इसी में अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप लगा दिए जाए तो उसको क्या बोलोगे, थियामिन ट्राईफॉस्फेट, राइट। तो इस तरह से ये डाईफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट। तो केमिकल नेचर, थियामिन कंटेंस पिरिमिडीन रिंग, थायाजोल रिंग हेल्ड बाई मिथाइलिन ब्रिज, कौन सा, मिथाइलिन ब्रिज, जिसको क्या बोलते हैं, थियामिन पाइरोफॉस्फेट या थियामिन डाईफॉस्फेट, दोनों बोल सकते हैं। यह है एक्टिव फॉर्म ऑफ थियामिन का। इट इज फॉर्म द थियामिन इन प्रेजेंस ऑफ ATP रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय थियामिन काइनेज, है ना। इन और थियामिन काइनेज कहां होता है, काइनेज टर्म यूज हो गया, इट का इसका मतलब ये जो आपको एंजाइम है जो थियामिन को थियामिन पाइरोफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम का नाम थियामिन काइनेज होता है, और ये प्रेजेंट होता है स्पेशली लीवर में, राइट। तो ये केमिकल नेचर हुआ विटामिन B1 का। पहले भी मैंने कहा कि कुछ चीजें, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन कराया था बोर्ड पे, ठीक उसी तरह से जब विटामिन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड, हमारे यहाँ विजन साइकिल पढ़ाई गई, देखो एज पर योर सिलेबस विजन साइकिल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत सारी बुक्स में दिया है, भाई देखो सिंपल सी चीज समझो, आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, सोर्स क्या होता है, ठीक, केमिकल नेचर क्या है वो हमने बता दिया, फिर फंक्शन क्या है, स्पेशली फंक्शन, बहुत बड़ा साइकिल की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी कॉलेज में पढ़ाया गया है तो मैं उसको बाद में कवर करवा दूंगा, है ना, इसलिए यू डोंट वरी, ओके। अब फंक्शन की बात करें, भाई फंक्शन, थियामिन पाइरोफॉस्फेट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, कीटो एसिड लाइक पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, मींस को एंजाइम का पार्ट है। थियामिन पाइरोफॉस्फेट ऑल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप ट्रांसलोकेज, ट्रांस कीटोलेज, कौन सा, ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, मींस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जिसको हम HMP बोलते हैं, उसको उसके साथ ट्रांस कीटोलेजेस की तरह के रिएक्शन, मींस ये एक्टिवेट करने का काम करता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है भाई, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, मींस होलो एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। को एंजाइम फॉर्म क्या है इसका, थियामिन पाइरोफॉस्फेट एक्ट एज द को एंजाइम, है ना, जो मैं अभी बता रहा था भाई, जो थियामिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है, मैंने पहले भी बताया था जब मैंने एंजाइम पढ़ाया था, कि बहुत सारे विटामिंस ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो एज ए को एंजाइम की तरह काम करते हैं, एज ए को फैक्टर की तरह काम करते हैं। उनका काम क्या है, एंजाइम को, जो भी रिलेवेंट एंजाइम है उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देना, है ना, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्शन का पेस बढ़ा देते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, ना। तो ये क्या करता है, थियामिन पाइरोफॉस्फेट को एंजाइम फॉर वेरियस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे हमने बताया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिलेटेड रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे कीटो एसिडोसिस, जैसे ट्रांस कीटोलेज टाइप की जो रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, HMP मोनोफॉस्फेट पाथवे होता है, इन सबके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कौन करता है, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, ओके। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, सबसे ज्यादा बेरी बेरी, ये बेरी बेरी
अर्बन कंट्रीज में, अर्बन से मीन्स शहरों में ज्यादा पाया जाता है, जिसकी कमी से इनसोम्निया, देखो फॉरेन वगैरह में देखो या शहरों में देखो आजकल लोग क्या है, मीन्स लोगों को नींद नहीं आती, दवा खा के नींद क्यों, और उनको सोचते हैं उनको टेंशन है इसलिए, सच्चाई क्या है उनको खुद नहीं पता चलता कि रात में नींद क्यों नहीं आ रही, उनको उनके अंदर विटामिन B1 की कमी है, उनको टेस्ट करवाना चाहिए, विटामिन B1 यानी थियामिन की कमी है, ये कमी दूर हो जाएगी। अब इस कमी की वजह से इनसोम्निया, रातों को नींद नहीं आती, सिर में भारीपन रहता बना रहता है, भूख नहीं लगती, मसल्स में वीकनेस रहती है ना, नंबनेस एक्सक्यूज मी ओके सेंसेशन इन लोअर लिम्ब एंड फटीग्स मींस नंबनेस हो जाना, मींस कहीं भी बैठते हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं पैर का सो जाना या हाथ का सो जाना, थोड़ी देर तक ऐसे करके रखो हाथ में झंझनी टाइप की चढ़ जाती है ना, तो ये बेसिकली होता है किसकी वजह से, विटामिन B1 की कमी से होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम होता है ना। वार्निक कॉर्फ सैकोफ सिंड्रोम क्या है, इट इज ऑब्जर्व क्रोनिक एल्कोहलिक्स जो ज्यादा दारू पीते हैं उनके अंदर ये ज्यादा होते, इररेगुलर आई लेग मूवमेंट, पॉलीन्यूराइटिस एंड मेमोरी डिस्टर्बेंस, मींस जो ज्यादा हैवी ड्रिंक कर लेते हैं आप देखते होंगे कि वो दिन में भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं, उनका अपने पे कंट्रोल नहीं होता है, बेसिकली क्या विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि जो भी उनके अंदर B1 है वो रिएक्शन करके कीटो एसिड्स बना लेता है और कीटो एसिड शरीर के बाहर चला जाता है, राइट। तो क्या, जिससे कि मेमोरी डिस्टर्बेंस हो गया, पॉलीन्यूराइटिस हो गया, लेग का डिस्टर्ब मूवमेंट, आंखें इधर उधर भागती रहती हैं। अब रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना होना चाहिए, 1 से 12 mg per day, 1 से लेके 12 mg per day, अबाउट 2 mg per day इन हैवी वर्कर्स, कितना 2 mg per day बढ़ जाएगा किसके लिए, जो हैवी वर्क करते हैं, है ना, तो इस तरह से 1.2 है, 1 से रिकमेंडेड डेली इनटेक इसका क्या, 1 से 1.2 mg per day नॉर्मल इंसान को चाहिए, जो हैवी वर्कर्स होते हैं उनको लगभग 2 mg 2 mg एक दिन में विटामिन B1 की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरा बात करें विटामिन B2 के, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, सोर्स क्या है, होल ग्रेन्स, देखो जो होल ग्रेन्स है ये लगभग हर किसी का सोर्स है, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यीस्ट, एग, मिल्क, ऑर्गन मीट, रूट वेजिटेबल फूड, देखो जो मीट होता है, एग होता है, यीस्ट होता है, होल ग्रेन्स होता है, कोई भी विटामिन पूछ ले इसको चिपका दो काम हो जाएगा, है ना, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भूल गए तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो। केमिकल नेचर की बात करें अगर राइबोफ्लेविन की, तो 17 कार्बन का होता है, C17H20N4O6, तो C17H20N4O6 ये होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ राइबोफ्लेविन, बोले तो विटामिन B2, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पिगमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज लायोक्रोम, है ना, इस सॉल्युबल पिगमेंट को लायोक्रोम भी बोलते हैं, इट कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक, खास बात, आइसोएलोक्साजाइन, है ना, आइसोएलोक्साजीन, ये एक रिंग होती है जो जुड़ी होती है रिबिटॉल के साथ, जो जुड़ी होती है एक तरह के सुगर मॉलिक्यूल के साथ, पेंटोस सुगर मॉलिक्यूल या अल्कोहल के साथ, सेंसिटिव टू लाइट एल्कली, स्टेबल टू हीट इन एसिडिक मीडियम, ठीक। तो ये इसका केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर में 3 रिंग होती हैं, स्ट्रक्चर देखो ये 1, 2, 3 कैसे होती हैं, उन रिंग को देखो, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ भाई, चलो बनाते रहो, देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो जब साथ बनाओगे बेंजीन रिंग बना लो, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक, उसके बाद 1 नाइट्रोजन ऊपर, 1 नाइट्रोजन ठीक पैरा पोजिशन पे, ठीक पैरा पोजीशन पे, ओके, यहां लगा दो और 1 पिरिडीन रिंग साइड में लगा दो, पिरिडीन रिंग बोले तो 1, 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ओके, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, यहां पे एच कर दो, इतना हो गया। अब यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी के लिए ये बॉन्ड लगेगा, ये बॉन्ड जिस जगह लगता है, जिस जगह लगेगा ये बॉन्ड उसी जगह आप क्या करो,
CH2, CHOH, है ना, दो CHOH और CHOH, ये हो गया। लास्ट वाला CH2O के साथ फास्फेट जोड़ दो भाई, O- इस तरह से, देखो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कहा पेंटोस सुगर। इस तरीके से ये क्या है, राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है, जिसमें जिसमें ये जो आपकी रिंग है इसी को बोलते हैं आइसोएलोक्साजाइन रिंग। आइसोएलोक्साजाइन रिंग किस विटामिन में प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, विटामिन B2 में। रिबिटॉल किस में प्रेजेंट होता है, क्या जवाब दोगे, राइबोफ्लेविन में रिबिटॉल। ये पेंटोस सुगर, दिस इज कॉल्ड रिबिटॉल, रिबिटॉल है ना। और ये क्या है, ये आपका फास्फेट ग्रुप है, ये आपका फास्फेट ग्रुप है, ठीक। तो स्ट्रक्चर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इट कंटेन्स राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में क्या होता है, आइसोएलोक्साजाइन रिंग, एक रिबिटॉल और एक फास्फेट, फास्फेट पाइरो मींस सिंगल फास्फेट, तो मोनोफास्फेट, दो फास्फेट लगा दो तो डाइफास्फेट, दो फास्फेट लगा दोगे तो यहीं से इस तरह से करके एक और फास्फेट लगा दो भाई, है ना, ऐसे करके आप रिंग बढ़ाते जा सकते हो। तो ये केमिकल नेचर है, याद रहे, आइसोएलोक्साजाइन रिंग और रिबिटॉल, ठीक। ये दो मेन इनका आइडेंटिफिकेशन है, कहे का राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी टू का 17 कार्बन की ये रिंग होती है, 17 कार्बन की, याद रहे 17 कार्बन से भी पूछ लेते हैं, आइसोएलोक्साजाइन से भी पूछ लेते हैं, रिबिटॉल से भी पूछ लेते हैं, तो कहीं से भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। फंक्शन की बात करें अगर, तो एक्टिव फॉर्म राइबोफ्लेविन क्या होता है, राइबोफ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, है ना, ठीक, या फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दे एक्ट एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप सेवरल एंजाइम। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट, हेल्प किस में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, मींस जितने भी बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। विटामिन बी टू इंक्रीज द हंगर एसेंशियल ग्रोथ, फॉर द एसेंशियल ग्रोथ मींस क्या है, अगर भूख बढ़ेगी एनिमल्स में तो वो फूड खाएंगे, फूड इंटेक करेंगे तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेलेग्रा डिजीज मींस जो डिजीज विटामिन बी टू से रिलेटेड है उस डिजीज के ट्रीटमेंट पे, स्किन रिमेन हेल्दी इन प्रेजेंस ऑफ दिस, आंख और स्किन, आई और स्किन के लिए राइबोफ्लेविन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोएंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम कंटेन्स FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ओके, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करते हैं, जिसको हम फ्लेवो एंजाइम्स या फेवो प्रोटीन्स बोलते हैं। तो फेवो प्रोटीन या फेवो फ्लेवो एंजाइम्स किसमें, किसके प्रोस्थेटिक ग्रुप है, राइबोफ्लेविन के। कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ये क्या देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। FMN FAD एक्ट एज द कैरियर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सच रिएक्शन, जैसे सम FMN रिक्वायरिंग एंजाइम, कौन से एंजाइम के लिए, FMN को प्रमीज जो है एल अमीनो ऑक्सीडेज के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा रहेगा, FMN, ठीक, FMN, ठीक। NADH को एंजाइम क्यू रिडक्टेज, FAD किसके लिए जरूरी है, डी अमीनो एसिड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और एसिटाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, इनके लिए जरूरी है, ठीक। ये राइबोफ्लेविन की बात हो गई भाई। डिफिशियंसी डिजीज कौन सी है, डिफिशियंसी डिजीज कॉजेज ओरल फेसियल ऑकुलर लेजन्स, वेल स्क्रोटल एंड वोल्वल लेजन, मींस जो है बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स में ये डिफिशियंसी से फर्क पड़ता है। अल्सर कॉज्ड इन माउथ, मुंह में अल्सर हो जाता है, टंग में अल्सर हो जाता है, बिकम रेड हो जाते हैं, मींस टंग वगैरह में छाले पड़ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, लिप वगैरह कैसी स्केली हो जाती है ना, जब विटामिन बी टू की कमी होती है। रेडनेस इरिटेशन स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन आईज, स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन आईज, है ना, तो इस तरह से इसमें होता है ना, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है कहां पे, आंखों में। सेवरल स्किन डिजीजेस में इसकी वजह से होती है, स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, इंडिविजुअल बिकम इरिटेशन, जिसकी वजह से इंसान इरिटेट होने लगता है। क्रॉक्स ले लो अपने, ठीक। रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना होता है इसका, रिकमेंडेड डेली इनटेक 1.3 mg पर डे, 1.3 mg
मिलीग्राम एक दिन में इंटेक करना रहता है, जो हैवी वर्कर्स होते हैं यही 1.3 की जगह 1.8 हो जाता है, 1.8 mg per day, 1.8 mg per day हैवी वर्कर्स। ठीक, नियासिन विटामिन B3 की बात करें, हम सोर्स की बात करें, होल ग्रेन्स, पीनट, लेग्यूम, सीस्ट, लीवर, फिश, मीट, मिल्क एंड एग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इसके सोर्स हैं, किसके, विटामिन B3 के, है ना। केमिकल नेचर, वर्ड नियासिन रेफर्स द टू पिरिडीन रिंग, अगर हम बात करें रेफर की, तो पिरिडीन रिंग कैसे होगी, एक कार्बन हटा के बेंजीन रिंग में आप नाइट्रोजन लगा दो तो वो क्या हो जाएगी, पिरिडीन हो जाएगी, राइट, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ठीक, केमिकल नेचर पिरिडीन का, निकोटिनिक एसिड जिसको हम पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं या फिर निकोटिनामाइड, है ना, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, ये क्या है, तीसरी पोजीशन, देखो पहली दूसरी तीसरी, तीसरी पोजीशन में CONH2 एमाइड ग्रुप लग जाता है तो निकोटिनामाइड, और अगर हाँ तीसरी पोजीशन पे COH यानी एसिड लग जाता है तो निकोटिनिक एसिड, 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, राइट। तो इस तरह से इसका केमिकल नेचर की बात हुई, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड किसका है, नियासिन यानी विटामिन B3। फंक्शन एंड को एंजाइम फॉर्म की बात करें, निकोटिनामाइड इज द कंपोनेंट ऑफ 2 एंजाइम, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी NAD और NADP, है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डिफिशियंसी की बात करें, नियासिन लीड्स क्या, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंसिया, ग्लोटाइटिस, है ना, जिसमें ग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्टोमेटाइटिस मींस पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। डेली रिकमेंडेड डोज कितनी, 15 से 20 mg per day एक दिन में, है ना। तो इस तरह से ये पेंटोथेनिक एसिड, है ना, नेक्स्ट क्या है, पेंटोथेनिक एसिड यानी इसी को हम बोलते हैं विटामिन B5, राइट। तो विटामिन B5 को हम लोग चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर या फ्लैटरेट फैक्टर भी बोलते हैं, जो वाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर में, विटामिन B5 के नाम से पेंटोथेनिक एसिड को जाना जाता है। ठीक, यानी फॉर्म बहुत पहले हम लोग चिक एंटी डर्मेटाइटिस के नाम से चेहरे पे स्केलिंग वगैरह हो जाती थी उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जड़ी बूटियों का काम करता था, मीन नेचर में, नेचर के प्लांट्स में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली अगर हम डाइटरी सोर्स की बात करें पेंटोथेनिक एसिड की, तो ये एनिमल्स और प्लांट दोनों सोर्स में मिलता है, रिच सोर्स एग, लीवर, मीट, ईस्ट और मिल्क, इन चीजों में भरपूर मात्रा में रिच सोर्स है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 की, तो दोनों तरह से पूछते हैं पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, तो केमिकल नेचर की बात करें तो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना, जिसको बोलते हैं पेंटोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड और बीटा एलेनिन। इन दोनों को जब मिलाया जाता है, जब बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का जो लिंकेज होता है उसकी वजह से ये जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। कोएंजाइम फॉर्म्स द कोएंजाइम ए सिंथेसाइज द पेंटोथेनेट अकर्स इन सीरीज ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन में, देखो इधर स्ट्रक्चर देखो, ये आपका क्या है, ये आपका COO, यहां देखो इसको बनाने के लिए CH2OH, ये एल्कोहलिक हो गया, है ना, CH2OH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और ये चार, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये H और इधर ये CH3 और ये CH3, ठीक, ये CH2H हो गया, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसकी नंबरिंग की हमने, ये इसको बोलते हैं पेंटोइक पार्ट, कौन सा, पेंटोइक पार्ट। अगर हम इसका इसकी नंबरिंग करने की बात करें तो नंबरिंग कैसे होगी, बताया ना मैंने कि एक मिनट कलर चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक, चार हो गए, तो तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है, अच्छा इसको अगर हम पूरा करने जाएं तो क्या हो जाएगा, एलेनिन लगा दें, एलेनिन कैसे, NH CH2 CH2 COH, ठीक, अब इसमें भी नंबरिंग COH की तरफ से 1, 2, 3, तो इस तीसरे वाले कार्बन से ये इतना कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग, इसका IUPAC पहले लिखोगे किससे, ध्यान से देखो,
ये जो तीसरा वाला कार्बन है इस कार्बन से बाकी सब कुछ अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूशन है। तो बाकी का जो सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन को सही करने के लिए क्या करोगे भाई? तो पहले कैसे लिखोगे? देखो तीन ये हो गया, ये जो तीन है आपका, ये जो तीन है, ये तीन यहां पे आ गया। इधर देखो जहां पे आईयूपीएसी की नंबरिंग की गई है, तीन टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी, वन टू थ्री फोर। तो दूसरे पे OH लगा है, ठीक, और फोर पे OH लगा है, तो टू फोर डाइहाइड्रोक्सी। तीसरी पोजीशन ये है, तो तीसरी पोजीशन पे थ्री थ्री डाइमिथाइल हो गया, थ्री थ्री डाइमिथाइल। और चार कार्बन से ब्यूटोइल हो गया, ये अमीनो हो गया, और दिस वन प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपिनोइक एसिड हो गया। तो ये पेंटोथेनिक एसिड जो है, इस तरह से इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम एलेनिन पार्ट बोलते हैं, कहां से? NH से लेके प्रोपिनोइक एसिड, है ना, ये एलेनिन पार्ट हो गया और ये पेंटोइक पार्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर है। फंक्शन ऑफ द पेंटोथेनिक एसिड की बात करें, कोएंजाइम ए इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ बाय कोएंजाइम ए, जहां पे भी कोएंजाइम के फॉर्म में रहेगा, विटामिंस मैक्सिमम कोएंजाइम का काम करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड एसिटाइल या एसाइल ग्रुप को ये एक्टिवेट कर देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन और पोरफायरिन ऑफ द हीम। जो हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होती है, उसकी सिंथेसिस में भी पेंटोथेनिक एसिड का रोल होता है। यानी B5 अगर कम हो गया तो ब्लड में पोरफायरिन रिंग यानी हीम की मात्रा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। एसिटाइल कोलीन कोलिनर्जिक सिस्टम का हार्मोन है, अगर ये विटामिन B5 की कमी हो जाएगी तो एसिटाइल कोलीन आपका जो आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, ये इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, जिससे स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, राइट। पेंटोथेनिक एसिड इटसेल्फ कॉम्पोनेंट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व द फैटी एसिड सिंथेसिस। यानी देखो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, उसमें तो इन्वॉल्व था ही, प्लस फैटी एसिड की सिंथेसिस में, प्लस एसिटाइल कोलीन की सिंथेसिस में, प्लस पोरफीम ग्रुप की पोरफायरिन रिंग की सिंथेसिस में भी आपका पेंटोथेनिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है, मींस काफी हेल्पफुल होता है। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 5 से 10 mg एडल्ट्स के लिए डेली लेना है। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो ट्रेम्बलिंग इन हैंड, हाथ देखो अक्सर लोग देखो हाथ ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं, जो अक्सर हिलते रहते हैं वो हिलना क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड की कमी है आपके। हेयर स्टार्ट फॉलिंग, बाल्डनेस मींस जल्दी टकले हो जाते हैं, बाल ज्यादा गिरते हैं, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है, और मे भी धीरे धीरे रीजन हो जाता है स्टेराइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है पेशेंट, राइट। तो ये पेंटोथेनिक एसिड के मेन डिफिशियंसी डिजीज हैं। फिर बात करते हैं हम विटामिन B6 की, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। डायटरी सोर्स इसका क्या है? एग, योक, फिश, मिल्क, मीट रिच होते हैं विटामिन B6 से। वीट, कॉर्न, कैबेज, रूट, ट्यूबर, ये गुड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन भरपूर मात्रा में होता है। केमिकल नेचर या केमिस्ट्री की बात करें, विटामिन B6 पिरिडीन डेरिवेटिव है। पिरिडीन का मतलब जब बेंजीन रिंग में एक कार्बन कहीं से भी हटा लो और वहां पे जो हेट्रो आइटम है वो नाइट्रोजन लगा दो, तो उसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं, राइट। तो जितने भी इसके जो विटामिन B6 है, ये पिरिडीन एसिड डेरिवेटिव, पिरिडीन डेरिवेटिव है। जैसे पायरिडॉक्सिन की बात करें, पायरिडॉक्सल की बात करें, पायरिडॉक्सामीन की बात करें, ठीक। तो देखो ध्यान से, दे डिफर ईच अदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पे चेंजेस करते जाओ और ये चेंज हो जाएगा। जैसे पिरिडीन रिंग में पिरिडॉक्सिन इज द प्राइमरी एल्कोहल। पिरिडॉक्सिन क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। पिरिडॉक्सल क्या है? एल्डिहाइड। वाइल पिरिडॉक्सामीन क्या है? इट इज एन अमाइन। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 इस पोजिशन पे देखो एमीन है, ठीक। यहां पे 1 2 3 4 क्या है? CHO है। ये क्या है? CHO है, ठीक। 1 2 3 4। तो पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल, पायरिडॉक्सल की बात करें तो CHO, पायरिडॉक्सामीन की बात करें तो ये पिरिडीन का अमाइन है, है ना। तो केवल चौथी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है और B6 का टाइप चेंज हो जाता है, डेरिवेटिव्स चेंज हो जाते हैं।
ठीक, पायरोडॉक्सामिन आर मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट। पायरोडॉक्सामिन किसमें मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है भाई, प्लांट में, जबकि पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामिन फाउंड इन एनिमल। पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सिन ये किसमें बेसिकली होते हैं, ये एनिमल में पाए जाते हैं। पायरोडॉक्सिन की बात करें, ये पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामिन दोनों में कन्वर्ट होता है लेटर, लेकिन अगर एक बार क्या है कन्वर्टेड पायरोडॉक्सामिन बट लेटर टू कैन नॉट फॉर्म द पायरोडॉक्सिन, मींस वन साइड रिएक्शन है जो पायरोडॉक्सिन है। पायरोडॉक्सिन भाई जाहिर सी बात एल्कोहल है, एल्कोहल एल्डिहाइड भी बनाएगा, एल्कोहल अमीन भी बनाएगा, यानी वो पायरोडॉक्सल में भी कन्वर्ट होगा और पायरोडॉक्सामीन में भी कन्वर्ट होगा। लेकिन एक बार कन्वर्जन हो गया तो वापस से पायरोडॉक्सामीन हो चाहे पायरोडॉक्सल हो, ये पायरोडॉक्सिन जो है दोबारा नहीं बनाएगा, मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वन साइडेड रिएक्शन है। विटामिन B6 का केमिकल नेचर है ये, पिरिडीन डेरिवेटिव, याद रहे कहीं भी पिरिडीन डेरिवेटिव यानी पायरोडॉक्सामिन यानी कि विटामिन B6, तो पायरोडॉक्सामिन अगर B6 को बोलते हैं ये याद रहा, तो पायरोडॉक्सामिन से पिरिडीन और पिरिडीन से पिरिडीन डेरिवेटिव, तो चौथी पोजीशन पे चेंज करते जाओ, पायरोडॉक्सामिन पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामाइन, ये तीनों आपके बड़े आराम से बन जाएंगे। कोएंजाइम की बात करें इसकी हम, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ B6 इज कोएंजाइम पायरोडॉक्सल फास्फेट, किसमें PLP पायरोडॉक्सल फास्फेट। तो पायरोडॉक्सल फास्फेट सिंथेसाइज फ्रॉम द कंपाउंड पायरोडॉक्सिन, काहे से पायरोडॉक्सिन जो प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल, पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामिन इन तीनों से PLP यानी पायरोडॉक्सल फास्फेट क्या होता है आपका, पायरोडॉक्सल क्या हो गया ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये आपका अमीन हो गया पायरोडॉक्सामिन, है ना, एक्सक्रीट करता है यूरिन में इन फॉर्म ऑफ पायरोडॉक्सिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ पायरोडॉक्सिक एसिड, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, राइट। फंक्शन ऑफ विटामिन B6 की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, इसेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन ऑफ नर्व में, नर्व मेंटेनेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। वोमिटिंग गिडीनेस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन सबकी ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है, इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अक्सर जो है कोई भी दवा दी जाती है तो आप देखते हो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स जरूर लगा देते हैं, है ना, ताकि उन दवाओं के जो साइड इफेक्ट है उन साइड इफेक्ट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और उनके जो साइड इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन इंपैक्टेड होते हैं वो इंपैक्टेड ना होने पाए। डेली रिकमेंडेड डोज की बात करें तो 2 से 2.2 mg एक दिन में, अगर कोई ओल्ड उम्र जैसे कोई लैक्टेटिंग या ड्यूरिंग प्रेगनेंट प्रेगनेंट वुमेन है तो वो 2.5 mg मीन्स 2.2 से 2.5 यानी थोड़ी सी डोज उसकी बढ़ जाती। कभी भी प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर होगी तो उसके अंदर क्या थोड़ा सा कोई भी विटामिन होगा उसका जो अमाउंट होता है डेली इनटेक होती, डेली की रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, डिफिशियंसी सिम्टम की बात करें तो पायरोडॉक्सिन डिफिशियंसी न्यूरोलॉजिकल, भाई जाहिर सी बात नर्व मेंटेनेंस में हेल्प करता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस और मेंटल कन्फ्यूजन, कन्वर्जेंस आ सकते हैं, है ना, गाबा सेरोटोनिन इनका जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज हो सकता है, अगर गाबा का लेवल कम हो गया, नॉरिपिनेफ्रिन का लेवल, इपिनेफ्रिन का लेवल कम हो गया तो आपके अंदर हार्मोनल लोचा हो जाएगा, बोले तो मुन्ना भाई MBBS, है ना। फिर चिल्ड्रन में B6 की अगर कोई कमी हो गई तो फिर गाबा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से बच्चे में एपिलेप्सी फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, डर्मेटाइटिस डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B6, डर्मेटाइटिस हो जाता है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, मसल्स बहुत लूज हो जाती हैं, है ना, मसल्स जो होती हैं ये धीरे धीरे करके बुढ़ापे में जैसे जैसे इसीलिए देखते हो कि आपकी ये मसल मास ये क्या है लटक जाता है पूरा, क्यों लटक जाता है क्योंकि धीरे धीरे विटामिन्स की कमी हो जाती है शरीर में। भाई जब तक इंसान हेल्दी रहता है, ग्रोइंग स्टेज में रहता है तब तक वो अपना ध्यान देता है, और धीरे धीरे करके ध्यान देना धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं होता बेसिकली, है ना, और खुद वो ध्यान दे नहीं पाता है तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ विटामिन से, नेक्स्ट कुछ और विटामिन के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।